दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम कल ये पढ़ लिया था, बाकी बचा हुआ कल पढ़ लिया था। श्लोक संख्या 3 और 4 है। क्या होगी, 3 और 4 हो गए करेगा इसका? प्रपच्छम् प्रपच्छम् यन्मां पृच्छत् सत्तमः इमं कृष्णानुभावश्रवणे कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः श्रद्धानुभावः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य संस्थानुभावः कर्मत्रयीवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभाव प्रणंगतः पप्रच्छचमेव यन्मां पृच्छत् सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयीवर्गिकं कर्मत्रयीवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः पप्रच्छचम् इमं मेवार्थम् यन्मां पृच्छत् सत्तमः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रयीवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। अनुवाद हे महर्षियों, महात्मा परीक्षित, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास सारे तथा इंद्रिय तृप्ति सकाम त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया, तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं।
ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं मनोवदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सामधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीरामकृष्णवृंद हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं उसको हम सभी चेष्टा करते हैं प्रभुपाद कृपा से। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति ये तीन कर्म आकर्षक होते हैं। चौथा भी हालांकि एक पुरुषार्थ है जिसको मोक्ष कहते हैं। चार पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें तीन के प्रति आकर्षण पाया जाता है लोगों में, मोक्ष के प्रति बहुत दुर्लभ है लोगों के अंदर आकर्षण है ही नहीं। हालांकि इन तीन के प्रति भी बहुत कम है, मुख्य रूप से काम के प्रति बहुत आकर्षण है, धर्म के प्रति भी नहीं है, अर्थ के प्रति भी नहीं है, काम के प्रति बहुत आकर्षण बचा है। विशेष रूप से कलयुग के ऐसे गंदे वातावरण के कारण, और हम सभी इस वातावरण में विवश होकर आदान प्रदान करते हैं हमारे मन के कारण। अगर हम इस वातावरण से अपने आप को निकाल के भक्तों के बीच में अगर डाल देते हैं तो हम धर्म से भी ऊपर, अर्थ से भी ऊपर, काम से भी ऊपर, मोक्ष से भी ऊपर भक्ति के पुरुषार्थ को समझ सकते हैं और उस पुरुषार्थ को पा सकते हैं जिसके द्वारा सारे पुरुषार्थ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
लेकिन ये बात समझना ही बहुत कठिन है। प्रहलाद महाराज के साथ में स्कंद में इस बात का वर्णन है कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा बन जाए कैसा, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिन कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयम्। भक्ति भी अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु, भागवतम में सातवें स्कंद के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसमें इस बात के बारे में वो घोषणा कर रहे हैं, धर्म अर्थम अपि नेहेत, धर्म के लिए भी, धर्म के लिए भी यत्रार्थम वा धनो धनम, अगर कोई अधनी है, अधनी मतलब कोई गरीब है, और वो गरीब व्यक्ति धर्म के लिए भी धन की आकांक्षा करता है कि भाई भगवान के पास आरती करने के लिए मेरे पास अगरबत्ती नहीं है, और अगरबत्ती के लिए कोई पैसा लाके दे दे, दीपक के लिए घी जलाने के लिए घी नहीं है, कोई घी के लिए पैसा लाके दे, अब क्यों इच्छा करेगा, गरीब है, घोषणा कर रहे हैं यहाँ। बोले अगर कोई इच्छा करता है तो मूर्खता है, ऐसी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अनीहा अनीहम आनस्य महाहे वृत्तिदा। बोले वृत्ति सबसे बड़ी गरीबी तो वृत्ति की है, संसार में गरीब कोई नहीं रह सकता अगर उसकी वृत्ति गरीब ना हो। वृत्ति गरीब होने का अर्थ क्या है? हाँ, कंजूस कंजूस मारवाड़ी। बढ़िया उत्तर दिया, ताली बजाओ सब। कंजूस मारवाड़ी। वास्तव में गरीब वृत्ति का अर्थ है जिसके अंदर, कंजूस मारवाड़ी मतलब जिसके पास है और वो खर्च नहीं कर रहा, उसको कंजूस मारवाड़ी कहते हैं। गरीब वृत्ति का अर्थ होता है, वृत्ति गरीब का अर्थ है कि उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, उसे गरीब वृत्ति कहते हैं। किसी के पास पैसा पाने की इच्छा है। हम लोगों के अंदर कई बार ऐसा देखा जाता है कि इच्छा नहीं है, ऐसा दिखाते हैं क्या, ऐसे इसके सामने हाथ फैलाना है तो मित्र, लेकिन बड़ा आदमी है, चाहे भक्ति के लिए प्रचार प्रसार के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन इसके सामने कैसे हाथ फैलाएं, शर्म आ रही है इससे मांग, घर वालों से मांगने में शर्म आ रही है, मित्र बंधुओं से मांगने में शर्म आती है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई इच्छा, वास्तविकता क्या है, शर्म आ रही। वास्तविकता क्या है, शर्म के कारण नहीं मांग पाते, या अहंकार के कारण नहीं मांग पाते। मैं मांगूंगा इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं पैसा मांगूंगा, नौकरी करके कमाऊंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं किसी से। कमाऊंगा मतलब इच्छा तो है ना। बोले किसी के अंदर अगर ये इच्छा है तो बोले उसकी वृत्ति गरीब है, वो भुक्कड़ है, तभी तो इच्छा है।
बोले गरीब वृत्ति व्यक्ति को गरीब बनाती है। अगर ये इच्छा ही खत्म हो जाए तो व्यक्ति कभी गरीब रहेगा ही नहीं। खाली ये इच्छा खत्म हो जाए तो क्या उसके पास पैसा नहीं है? अपने आप आएगा पैसा, लेकिन जब तक ये इच्छा जा नहीं रही है ना, बहुत पैसे वाला आदमी है, इसको हलाल कर देते हैं, इसको ऐंठ लेते हैं, इसको चूस लेते हैं, इसको कुछ ना कुछ सिकड़म तिकड़म लगा करके कुछ प्रयास करते हैं। बोले वो सब गरीब वृत्ति की इच्छा है, जो धन की ओर बहुत लालची रखती है जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इवन इफ ए मैन इज पुअर, गरीब है बाई डिफॉल्ट, ही शुड नॉट एंडेवर टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक कंडीशन। ये सेटल्ड लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है। सेटल्ड लोग भी जिनके पास गरीबी नहीं है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, वो लोग भी मेहनत करते हुए पाए जाते हैं और पैसा कमाने के लिए। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये दिल मांगे मोल। जो ऐसा मांग रहा है समझ लो घोर तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति अंधकार से अंधेरे के कारण उसको भगवान का हाथ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो मांगता रहता है। कितने ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रही है। इवन इफ ए मैन इज पुअर ही शुड नॉट एंडेवर टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक कंडीशन जस्ट टू मेंटेन हिज बॉडी एंड सोल टूगेदर। शरीर और आत्मा, बोले पैसा नहीं आएगा, गरीब आदमी है, जिएंगे कैसे, मर जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा और शरीर को मेंटेन करने के लिए मत एंडेवर करो। गरीब के लिए भी कहा है, और टू बिकम ए फेमस रिलीजनिस्ट। फेमस रिलीजनिस्ट मतलब मेरा मंदिर का एम्पायर बहुत बड़ा है, मेरा मंदिर फेमस है। किस बात को लेकर के? कितना स्टैंडर्ड भोग लगता है, कितना स्टैंडर्ड सब चीजों का स्टेब्लिशमेंट है, भगवान को सोने की थाली में भोग। ज्यादातर लोग दिखावा करने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं, या एक दूसरे से मंदिरों के साथ कंपटीशन एटीट्यूड में ऐसा किया जाता है। ऐसा बहुत दुर्लभ पाया जाता है कि हाँ दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा करना है भाई, जिससे उनकी समझ भगवान की ओर मुड़े। वो एक अलग लक्ष्य है, प्रचार का एक अलग लक्ष्य है। जो प्रभुपाद जी ने ये दिया वृत्ति, ये किसी भी स्थिति में भक्त लोग इतना आकर्षक बना देते हैं चीजों को कि अपने आप ही लोग अच्छा ले आते हैं। हर चीज को भक्त लोग अपने एंडेवर से मेहनत करके भगवान की सेवा इस प्रकार से करते, लेकिन कंपटीशन एटीट्यूड नहीं रखते, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करते। एक माता वैष्णव परिवार, और वो भगवान का भजन साधन करते थे, अपने मित्र के यहाँ गए। तो माताओं में आदत होती, जो देखते हैं दूसरे के घर में जाकर के, वो हमारे घर में भी होना चाहिए, सोफा हमारे घर में भी होना चाहिए, उसकी साड़ी ऐसी ऐसी अच्छी हमारे घर में भी होनी चाहिए, फ्रिज हमारे घर में भी उसी कंपनी का होना चाहिए। तो वहां ठाकुर जी को देखा, उन्होंने ठाकुर जी की सेवा सोने के पात्र में लगाई जाए। तो वापस आके पति के हाथ धो के पीछे पड़ गई, वो मेरे को भी सोने की पात्र चाहिए ठाकुर सेवा के लिए, भगवान की सेवा। साधारण लोग इन बातों को नहीं समझ सकते, हम लोग भी नहीं समझ पाते, ऐसा नहीं तो साधारण लोग बेचारे क्या समझे। तो वापस आकर के पति बेचारा परेशान, बोले जो फूटी हुई मिट्टी का जो गिलास है उसी में बहू लगा दो, क्या तुम सोने की झारी लाना चाह रही हो? बोले नहीं 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 मैं तो भोग अब सोने की झारी नहीं लगा। इससे ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी भक्ति है ना। तो पति थोड़ा सा सिद्ध था भक्ति मार्ग में एक प्रकार से। पति ने बोला एक काम करो, उस पेड़ के नीचे सोना रखा हुआ है, तुम वहां चले जाओ, वहां से निकाल के ले आओ। वो चले गए, वहां पेड़ के नीचे से सोना का घड़ा मिला उसको। जब जाने लगी तो एक प्रेत बोल पड़ा, ए यहाँ से ऐसे सोना नहीं उठा के ले जा सकते, ये मेरा धन है।
बोले मैं अपने लिए थोड़ी ले जा रहा हूँ, भगवान के लिए ले जा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। बोले कुछ पुण्य दान करो। बोले इसको ले जा रहे हैं, इसी से जो पुण्य होगा तेरे को दान कर देते। बोले नहीं, इस पुण्य को मेरी आवश्यक, मेरे को इस पुण्य की आवश्यकता नहीं, इस पुण्य से मेरा भला नहीं है। क्या बात है, तो कौन सा पुण्य चाहिए तुमको? बोले तुम टूटे हुए मिट्टी के झारी में जो भोग लगाते हो ना भगवान को, उसमें ज्यादा आनंद आता है। इसलिए तुम एक काम करो, उसमें भोग लगाया हुआ जो पुण्य है ना वो मेरे को दान कर, जो आज तक भोग लगाया है उसको दान कर। ये सुन के उसकी आंखें खुल गई, वो मटका वहीं पड़ गया, उसने रखो तुम सोने का पात्र ही है, अब हम उसी में भोग लगाएं। ये दैन्य वृत्ति है, ये वृत्ति विनम्रता की वृत्ति अगर आ जाए, क्योंकि उसमें अहंकार की वृत्ति आ जाए, अहंकार की वृत्ति से पाप कटते नहीं, दीनता की वृत्ति से पाप कट जाते। अहंकार की वृत्ति में आदमी सोचता है मैं तो अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास किस चीज की कमी है, उसके अंदर विनम्रता का अभाव हो जाता है, उसके अंदर भगवान का विरह नहीं सताता। फिर उसके पास सब सुविधाएं हैं ना, तो भगवान का विरह क्यों सताए? और ऐसा बहुत दुर्लभ पाया जाता है जीव की सब सुविधाएं केवल भगवान के लिए हो, उसको हम भोग ना करें खुद के लिए। जैसे राजभोग भगवान को लगा और फिर भी महंत जी प्रेसिडेंट महोदय चने ही खा रहे हैं खाली। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतना सुंदर मंदिर, इतना भव्य मंदिर एस्टेब्लिश किया, राधा गोविंद मंदिर, गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का, जिसकी सीढ़ियां कितनी ऊंची हैं, इतना भव्य भगवान की सेवा होती थी, पूरा मंदिर खचाखच भर जाता था कथाओं के सब। उस सेवा का स्टैंडर्ड क्या होगा जो बनाई चमत्कार को देख करके है, जिन मंदिरों की शुरुआत ही चमत्कार से हुई है वहां कितना डोनेशन आता होगा, जैसे राम मंदिर में कितना डोनेशन आता है अयोध्या में। तो ऐसे मंदिर का जब ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो वहां कितना भोग करने की सुविधा है, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भिक्षा करके मधुकरी का ही भोजन करते थे। ये कितना दुर्लभ है कि हम सब चीजें हमारे कंट्रोल में रहते हुए भी और हमारे अंदर वो भोग बुद्धि ना हो तो विनम्रता बनी रह सकती, ये स्थिति प्रभुपाद जी की थी। रूपा जी कभी किसी मंदिर से ऐसे अटैच नहीं हुए कि यही मंदिर में रहूंगा मैं, अब जीवन में अमेरिका आ गया अब यहीं सेटल हो गया बहुत बढ़िया, नहीं, पूरा जीवन बेचारे संघर्ष, जगह जगह मंदिर स्टेब्लिश किया, जगह जगह भगवान के लिए कार्य किया, उसमें भगवान का विरह सताता है। कुरान शरीफ में एक घटना का वर्णन है, वहां पर एक शैतान एक नवाजी को उठाता है सुबह सुबह, वो लोग नवाज करते हैं, नवाज अदा करते हैं, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लोग नवाज अदा करते हैं, दिन में 5 बार करना पड़ता है, सुबह 5 बजे से चालू हो जाता, वो भी एक रास्ता है भगवान को प्रसन्न करने का। एक दिन एक नवाजी उठा नहीं सुबह सुबह, सूरज नाम है इसका, क्या नाम, निश्चल नाम है, निश्चल सोते नहीं, तो सुबह सुबह वो उठा नहीं, तो शैतान आकर के हे नवाजी उठ जा, तो हड़बड़ाए, बोले कौन? बोले मैं शैतान। बोले शैतान तो भगवान से दूर ले जाते हैं, तुम मेरे को क्यों उठा रहे हो सुबह सुबह नवाज अदा कर? बोले उठ जा नवाज अदा कर, आज नवाज नहीं हो रही तेरी। तो पूछता है शैतान, तो फिर सामने आओ। बोले मैं सामने नहीं आ सकता तेरे, क्योंकि तू नवाजी है।
बोले तुम सामने नहीं आ सकता फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रहा है कि नवाज अदा कर, ऐसा क्यों बोल रहा है? शैतान तो दूर ले जाता है, तू क्यों उठा रहा है मेरे को? बोले मैं तो तेरे को दूर ही ले जाने के लिए उठा रहा हूं, तू नवाज अदा करेगा तो तू दूर चला जाएगा। अब ये दिमाग हैंग हो गया उसका, ऐसा कैसे? बोले ऐसा इसलिए कि तू जिस दिन नहीं उठता उस दिन तू रो रो के तौबा तौबा करता है, मेरे से भूल हो गई। और जब तू तौबा तौबा करता और भगवान के विरह में जब तू रोता है ना, तब तेरे कई जन्मों के पाप भगवान ऐसे ही काट देता है और तू ज्यादा नजदीक चला जाता है। पाप कर्म भगवान के और हमारे बीच में बाधा देते हैं, और तुम्हारे अंदर जब विरह सताता है, तौबा तौबा करता है, ऐसा आप लोग मत चालू कर देना कि प्रभु जी आज विरह सता रहा था इसलिए मंगल आरती, मेरे को भगवान के नजदीक जाना है। बोले आज शैतान आ गया था। बोले उठ जा, उठ जा नवाजी। हाँ हाँ साल भर विरह पता लो, साल भर विरह, देखो डॉक्टर लोग कितना दिमाग लगा देते हैं। बोले जिस दिन तू तौबा तौबा कर देता उस दिन भैया कठिन हो जाएगा, उस दिन उसको इतनी दया आ जाती कि तेरे सारे पाप कर्म उस विरह अग्नि से कट जाते। और ये सत्य है, जिन गोपियों को भगवान से मिलने नहीं दिया गया था, और ये आज की बात नहीं है, भगवान की भक्ति में विरोध ये भगवान के समय में भी था, ब्रज में भी था। जो गोपियां भगवान के प्रेम में पागल थी उनको बाहर से ताला लगा दिया गया था, होम अरेस्ट, क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन उनका विरह इतना तेज हुआ, इतना आगे बढ़ा, और ये कोई और कारण नहीं होता, ये हमारे ही पाप कर्म होते खुद के। उनका इतना विरह बढ़ा, इतना विरह बढ़ा कि उस विरह अग्नि से उनके सारे पाप नष्ट हो। विरह अग्नि और सारे पाप नष्ट हो गए, वो शरीर को वहीं छोड़ करके निकल गई, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने को कठिनाई नहीं हुई, ऐसा नहीं कि फांसी लगा करके फिर आत्मा निकल के गई होगी, ऐसा नहीं, स्वयं में भी शरीर छूट गया और आत्मा स्वरूप से भगवान के पास पहुंच गया। ये विरह की ताकत है, लेकिन ऐसा कर कौन पाता है? ऐसी दीनता आ जाए, ऐसी विनम्रता आ जाए, ऐसी विनम्रता धन आने नहीं देता। जब धन के साथ जीवन जी, इसलिए भक्त लोगों के लिए गरीब मंदिरों में रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो प्रसाद ऐसा है कि लड़ना पड़ता है रोटियों के साथ, घी भी रहता नहीं है, सब्जी वब्जी होती नहीं है, ऐसा लगता है यहाँ भक्ति होती नहीं है, बहुत कठिन है। अमीर मंदिर बहुत अच्छे लगते, जब होना चाहिए जैसे भगवान रखे वैसे ठीक। यहाँ प्रभुपाद जी क्या, इवन इफ ए मैन इज पुअर ही शुड नॉट एंडेवर टू इम्प्रूव हिज इकोनॉमिक कंडीशन जस्ट टू मेंटेन हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर और टू बिकम ए फेमस रिलीजनिस्ट जस्ट एज ए ग्रेट पाइथन, जैसे अजगर है ना, कोई वृत्ति नहीं आकांक्षा नहीं, ऑल दो लाइंग इन वन प्लेस Not endeavoring for its livelihood, नहीं परेशान करता, gets the food it needs to maintain body and soul, अपने आप आएगा। ऐसे ही अगर भक्त के अंदर कोई इच्छा ना हो ना तो अपने आप आता है, इच्छा ही ना हो तो, हम इच्छा को छुपा लेते वो लग बात है, इसलिए आता नहीं है, दिखाते हैं कि हम विनम्र हैं, लेकिन इच्छा ना हो। और ये भी अभ्यास करना छोटी बात नहीं है कि आदमी के अंदर इच्छा है फिर भी रोक के बैठा हुआ है, नहीं मांगेंगे, सूखी रोटी खाएंगे,
कम से कम खुद के लिए तो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, भक्तों के लिए जरूर अभ्यास करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने लिए हम अपने को ध्यान में बीच में पहले आगे अपने को लगा के चलते हैं, हलवा बटेगा तो घी हमें भी चाहिए, फिर ये वाला हमें भी मिलेगा, ये समस्या हो जाती है। एक लालदास भक्त हैं लाल जी, उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती, और उनके यहाँ अचानक से सैकड़ों की तादाद में भक्त आ गए और इच्छा ही नहीं बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में भक्त आ गए। एक बनिया उनका शिष्य था, जनरली बनिया लोग भक्त बहुत कम पाए जाते, कबीरा सब जग छाणिया, भगतन देखा सुनार और बाणिया, बोले सारा संसार मैंने छान छान के देख लिया पर मेरे को भक्त नहीं मिला, सुनार और बानिया बनिया ये लोग भक्त नहीं पाए जाते। वो अलग बात है कि सब धर्मशालाएं मंदिर वगैरह बनिया ही चलाते हैं, इनके ही दान धर्म से चलता है। प्रश्न उठता है फिर ये भक्त क्यों नहीं है, बोले भक्त इसलिए नहीं, इनको 1 लाख का फायदा होता है तो 1,000 रुपया दान करते हैं, पहले ही भगवान के साथ कंडीशन साफ। दुनिया भर से मिलना बिल्कुल रेडी करते हैं, लेकिन उनको मैं कैसे लेकर जाऊं, तो आप कहें तो मेरे से पैसा ले लो, तो पैसा लेकर के उनकी जरूरत सामान तुम एक काम करो, जो बुलाया है उसी को तो। तो उनकी श्रद्धा मतलब भक्त का अर्थ ही है आखिरी में परिचय वचनम एकमात्र सिद्धांत तो चला गया, वहां से दो चार भक्तों की टीम को लेकर निकला गया और एक मत का पकड़ा, एक मत हाथ ढूंढ लेना ले जाओ सब मटन पनीर ले जाओ सब ले जाओ। माँ बोली कहाँ ले जा रहा है, बोला देखिए रास्ता ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही है, बहुत सारा सामान भी लोग उठा उठा के ले जाएंगे, सुरक्षित जगह पे पहुंचाना। माँ को क्या कहना, सुरक्षित जगह पे। हाँ, सुरक्षित संभालना पड़ता है भाई, ऐसी थोड़ी व्यवस्थाएं चल जाती हैं, आदमी बिठाना पड़ता है, ताला लगाना पड़ता है, सुरक्षित जगह पर चारों तरफ से पैक करना पड़ता है, तब भंडारे चला करते हैं, तब कोई ओकेजन मनाया जा सकता है इतना सहज। और सुरक्षित जगह कहाँ थी, सब भक्तों को घेला दिया और भक्त लोग प्रसाद पा ली। अब ये बेचारा टेंशन, बोले पिताजी आएंगे और वहां तो सब कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया अभी, बोले कुछ नहीं तुम जाओ सब प्राप्त हो जाए, चले गए वापस। अब पिताजी बारात को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं, तो रिसेप्शन के लिए वो वहां स्वागत के लिए खड़े हैं, तो क्या देखते हैं 100 लोगों की जगह पर 400-500 लोग आए हुए हैं बारात में। अब पिताजी के हाथ पांव फूल गए कि बेटा बनाया तो 100-150 लोगों के लिए और पहुंच रहे 400-500 लोग, बोले अब कैसे व्यवस्था बनी, सबको पता रहता ना कि कितना है और कितने आ गए, तो अब कैसे व्यवस्था बनी। लेकिन ये श्रद्धालु था, चिंता मत कीजिए,
आप आने तो सब व्यवस्था, और जब वो अंदर जाकर के दरवाजा खोला उसी कमरे का, जिसमें से सब सामान गायब कर दिया था, 4 गुना सामान रखा हुआ है, और उस 4 गुने सामान से सब बारात को तृप्त कर दिया। अब पिताजी हैरान कि ऐसा कैसे हो गया, पहली बार ऐसा चमत्कार देख रहे। बोले सब गुरुजी की लीला है। अब ये गुरुजी ऐसे साधारण नहीं होने चाहिए, प्रभुपाद जी जैसे गुरुजी होने चाहिए, तब ऐसी लीलाएं होती है। प्रभुपाद जी जहां जाते थे वहां भंडारे चालू हो जाते थे। ये सामर्थ्य भक्तों की है, मेरे जैसा कोई पाखंडी ऐसी नकल करने की चेष्टा करे और उसमें कोई आज्ञा पालन करने के लिए श्रद्धा जताए कि नहीं, आज्ञा पालन पहले तो होता ही नहीं किसी का, अरे गुरुजनों का नहीं होता आज्ञा पालन, उनमें ही श्रद्धा नहीं होती। उस सेठ की जगह पे हम होते क्या, महाराज सब हो जाएगा, ये आप गप मार रहे हो खाली, वहां से लूटने का इंतजाम सिखा रहे हो कैसे जाएगा, कुछ दिखाओ तो सही कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन उसकी श्रद्धा थी और फिर हुआ। इसलिए सारी व्यवस्थाएं भगवान बना देते हैं, यदि कोई ऐसी डिजायरलेसनेस आ जाए उसकी। यहाँ जो कह रहे हैं, गेट्स द फूड इट नीड्स टू मेंटेन बॉडी एंड सोल, वन हु इज डिजायरलेस ऑल्सो ऑब्टेन्स हिज लाइवलीहुड विदाउट एंडेवर, विदाउट एंडेवर, सब कुछ बिना मेहनत के आएगा, बस उसको एंडेवर करना चाहिए भक्ति के। जो पांचवा पुरुषार्थ है, लेकिन हमारी सबसे निकृष्ट अवस्था है जो धर्म से शुरू नहीं होती, काम से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? सबसे नीच आदमी वो होता है जो काम और कामनाएं लेकर के जीवन जीता है, और फिर उससे श्रेष्ठ होता है जो अर्थ के लिए जीवन जीता है, पैसे के लिए जीता है, उससे श्रेष्ठ होता है जो फिर धर्म के लिए जीवन जीता है, और उससे श्रेष्ठ पाए जाते हैं जो मोक्ष के लिए जीवन जीते हैं, और उससे श्रेष्ठ पाए जाते हैं जो भक्ति के लिए जीवन जीते हैं। लेकिन एक को छोड़ते हुए चलना पड़ेगा, कामनाएं इच्छाओं को दबाओगे तब पैसा इकट्ठा होगा, इच्छाओं को नहीं मारेंगे तो पैसा इकट्ठा होगा ही नहीं, इच्छाओं को मारने वाला पैसा इकट्ठा कर लेता, पैसे के पीछे ना भागने वाला धर्म कर पाता है। अगर पैसे के प्रति उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है तो धर्म में कैसे लगाएगा? और धर्म को जो प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखता वो मोक्ष का सोच पाता है, और मोक्ष में भी जो मोक्ष को भी त्याग करके जीवन जीता है, जो कृष्ण से प्रेम उत्पन्न कर लेता है, अपनी चिंता नहीं करता, वो व्यक्ति भक्त बनता। भक्त बनना कोई छोटी खेल नहीं है, भक्त बनने के लिए, सच्चा भक्त बनने के लिए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो, हमें ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन संसार में ऐसा बहुत दुर्लभ देखा जाता है, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, संसार में काम धर्म और अर्थ इनके प्रति लोगों का बहुत प्रेम पाया जाता है, भक्ति के प्रति तो बहुत दूर की बात है। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं, ये कर्म कांडी लोग कहलाते, और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। आनंद लेना है, स्वर्ग में जाना है, इस जीवन में भी सुखी रहना है, पैसा इकट्ठा करना है, तो आप ये सब करो। क्या करो? काम के लिए जीवन जियो, अर्थ के लिए जीवन जियो, और धर्म के लिए जीवन जियो। यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी
लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। वही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, धर्म को भी छोड़ दिया लोगों ने, ज्यादा चिंता आर्थिक विकास और काम बस। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडी अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था। दूसरों के लिए कई बार करके दिखाना पड़ता है राजा लोगों को, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से, ये देखो भक्तों की संगति का कितना बड़ा फर्क है, संगति मात्र से हुए ये भली भांति जान सके परम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्म कांडी कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्ध अवस्था, सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त हो पाती है, और भक्त एक ही जन्म में भक्तों की संगति से तुरंत प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसे भक्तों का संगति मिलना बहुत दुर्लभ है। भक्ति नहीं मिल पाते, और भक्त मिल भी जाते तो हमारे लिए ऐसे भक्तों के साथ रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं भरी पड़ी रहती है। हमारी इच्छाओं की जहां पूर्ति हो जाती है, हम उन्हीं भक्तों के साथ अपने जीवन को भले निकाल पाते। हमारी इच्छाओं को नष्ट करके जीवन जीना, बोले ब्रह्मचारी वसंदांति गुरुर्हितम गुरुकुले, गुरु के हित के लिए जीवन जीना, ब्रह्मचारी के लिए अपना हित जरा सा भी नहीं, गुरु जी ने बोल दिया। कितने सारे ब्रह्मचारियों की ऐसी घटना आती है, गुरु जी ने बोल दिया बेटा थोड़ा ये पानी खेत में पहुंच नहीं रहा है, इसको रोक दे। उत्तंक जी थे तो पानी रुका ही नहीं, और चेला वापस आया नहीं। गुरु जी वापस गए कई घंटे के बाद, देखा तो चेला ही खुद लेटा हुआ है नाली में। बोले तू यहाँ क्या पड़ा हुआ? बोले पानी रुक नहीं रहा था मिट्टी से, तो मैं सोचा मैं ही लेट जाता हूँ यहाँ मिट्टी की जगह पर। तो बोले मैं लेट गया, अब पानी आगे जा रहा है खेत में। ऐसा समर्पण कहाँ देखने में, जिसको जो आज्ञा दी जाए वैसे पालन कर, लेकिन किए बिना काम भी नहीं चलेगा। हमारी इच्छा है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करके बहुत जन्म लगा दें ज्ञान प्राप्त करने में, या भक्तों के सानिध्य में रह करके जल्दी से भक्ति को प्राप्त करके जीवन ऐसे समर्पण तक तुरंत लेके जा सकते। भक्तों के सानिध्य में ही ऐसा संभव है जहाँ इस प्रकार की कथा वार्ता होती है। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सब लोग जप कर सकते हैं यही।